भीम क्षेत्र में एक महिला के साथ अनैतिक घटना सामने आई और उस घटना के बाद रावत महासभा की एक बैठक हुई। 24 चोकला की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में खास तौर से मंडावर, काछबली और जिन पंचायतों में शराबबंदी हो रखी है वहां पर अवैध शराब बिक रही है उसको लेकर आक्रोश व्यक्त हुआ और उसी आक्रोश के चलते समाज के कुछ प्रतिनिधि आज राजसमंद जिला कलेक्टर पहुँचे, यहाँ जिला कलेक्टर से मिले, SP से मिले और आबकारी अधिकारी से मिले। उनकी ये मुख्य मांग थी कि जो अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। साथ ही जो DJ पर प्रतिबंध है, समाज ने भी जो DJ बजाने पर प्रतिबंध लगाया है जो कि उस पर पूर्ण पालना करने के लिए, उसकी पूर्ण पालना जमीनी स्तर पर नहीं होने के लिए प्रशासन व पुलिस का मदद मांगने के लिए आज समाज के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भीम समाज की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह चौहान है। क्या आज जैसे समाज जन यहाँ आए हैं तो क्या है पूरा ये मामला? ये पूरा मामला ये है कि वहाँ शराबबंदी के बाद भी कुछ अवैध रूप से गिरोह के रूप में शराब बेची जा रही है, उस पर पुलिस ने कुछ एक्शन लेती है, 2-3 दिन बाद में वापस वही स्थिति हो जाती है जिससे कि वहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है और वो असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो उसे हम प्रशासन से चाहते हैं कि स्थायी रूप से वो बंद हो जाए। एक मुख्य रूप से जैसे काछबली और मंडावर इन पंचायतों में परमानेंट शराबबंदी है तो फिर भी वहाँ शराब क्यों नहीं रुक पा रही? ऐसे अगर आपको समाज स्तर पर इतना बड़ा निर्णय क्यों लेना पड़ा? सर, समाज के लोग मिलके भी प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो शराबबंदी हो रही है उसको पूर्ण शराबबंदी में किया जावे और ये जो लोग भटक रहे हैं वो भटकने से बच जाए। वहाँ सरकारी ठेका बंद होने के बाद भी शराब मिल रही है इन पंचायतों में? हाँ, अवैध शराब की अभी भी बिक्री हो रही है। अच्छा, हमारे साथ में अभी भीम के उपप्रधान साहब नारायण सिंह जी हैं। आप ये बताएं कि ये जो पूरा मामला समाज को इतना निर्णय लेना पड़ा, ये जो बैठक हुई, इसका ये क्या घटना हुई उससे समाज को इतना बड़ा कदम लेना पड़ा और आज राजसमंद पर पहुँचे? बीते दिनों 19 तारीख के दिन की घटना है। रात्रि 2 बजे के आसपास एक दंपति कहीं शादी से लौटते हैं, लौटते समय में काछबली के अंदर जहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी हो रखी है उस जगह पे सामने DJ की गाड़ी, उन्होंने रोड पे DJ की गाड़ी लगा रखी थी। जब उन भाई साहब ने कहा कि भाई आप ये गाड़ी हटा दीजिए DJ के सामने से, ऐसा कहने पर उसके साथ मारपीट की और कम से कम आधा घंटा तक मारपीट करते रहे और वो बीच बचाव के लिए इधर उधर थोड़ा भागता रहा वो पुरुष की भाई कोई मेरी मदद के लिए आए। इस दौरान उन्होंने उन असामाजिक तत्वों ने उस महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया, उसके पश्चात हम लोगों ने कड़े निर्णय लेने की हमें आवश्यकता पड़ी। वो क्या सब शराब के नशे में थे? वो सारे शराब के नशे में थे और वो भी काछबली क्षेत्र जहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी है। और ये जो युवाओं का जो भटकने का या मार्ग भटकने का या ये गैंगवार होना, खास कारण यही होता है कि ये वहीं पे 2 नंबर में अपना कोई 1 पेटी या 2 पेटी इस प्रकार भेजते हैं जो शराब की, उससे ही अपना ये असामाजिक जो तत्व है ये अपनी अनैतिक घटनाएँ वहाँ करते हैं और इस प्रकार के कार्य करके वो वहीं रहते हैं। और समाज ने क्या निर्णय लिया और आज राजसमंद पहुँचे? समाज ने निर्णय लिया है कि 24 गाँव के अंदर सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर, उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं थी और सारे समाज एक जाजम पे बैठ के ये निर्णय लिया कि यहाँ पे जो पंचायतों में शराब बंद है वहाँ तो बिल्कुल कोई नहीं भेज सकता, कोई होना ही नहीं चाहिए, और अगर वो बेचता है तो समाज अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा, लेकिन प्रशासन से भी हम ये गुहार लगाते हैं कि बिल्कुल उसे पूर्ण रूप से बंद करें और जिन पंचायतों में जो वैध दुकानें चल रही है वहाँ भी जो अवैध शराब की ब्रांचें हैं जिन वजहों से रात्रि रात बिरात कभी भी 2 बजे 3 बजे आज किसी को भी शराब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसके कारण ये रात्रि में पुरुषों का वहाँ आना जाना या आम लोगों का वहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से, अगर शराब प्रतिबंध होता है, DJ बंद होता है, तो इस प्रकार की अनैतिक घटनाएं नहीं होगी। ये लोग जो DJ के साथ ये जो बर्थडे वगैरह मनाते हैं सड़कों पर आते हैं, बहुत सारे युवा निकल जाते हैं और सड़कों पर DJ बजा कर शराब पी कर ये बर्थडे वगैरह मनाते हैं, तो ये DJ और शराब हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से बंद हो जाए। तो बहुत उप प्रधान साहब ने बताई कि किस तरह से शराब की वजह से ये नशे में चूर होकर और DJ के साथ में जो जश्न मनाते हैं, रास्ते रोकते हैं, उसकी वजह से जो क्षेत्र के मगरा क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है,
उस समस्या को लेकर आपने समाज ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उसी निर्णय के तहत आज जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं, तो क्या ये प्रशासन, आप जो आबकारी विभाग और पुलिस, इससे क्या मदद चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भैया अवैध शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए और रात को पुलिस गश्त लगावे, थोड़ा गुंडागर्दी नहीं फैले ज़्यादा, जो आवारा घूमते हैं उनको भी थोड़ा अरेस्ट करें कि भाई क्यों घूम रहा है बेफालतू, 9 बजे के बाद एक दो गश्त लग जाए तो सुधर जाएंगे लोग। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि भाई एसपी साहब की मदद करने के लिए, आबकारी विभाग से भी मदद करने के लिए आए हैं। अगर ये समाज का प्रशासन सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता है तो समाज का क्या निर्णय रहेगा अगला? समाज बिल्कुल निर्णय लेगी साहब, बिल्कुल सबको, नवयुग मंडल को, जो जो शराब पीते हैं, नशाखोरी है, उनको समाज इकट्ठी होकर के फिर उनको दंडित करेंगे, कोई जुर्माना लगाएंगे, ऐसे करेंगे साहब। बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से शराब की वजह से जो मुख्य रूप से भीम या मगरा क्षेत्र की जो समस्या है, उसी समस्या के चलते लगातार मगरा क्षेत्र से अब तक करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतें शराब मुक्त, वहाँ कानूनी रूप से शराब बंदी घोषित भी हो गई हैं, लेकिन वहाँ अवैध रूप से शराब बिक रही हैं, उसकी वजह से वहाँ जो घटनाएँ हैं, आपराधिक घटनाएँ हैं, वो नहीं रुक पा रही हैं। और उसी को देखते हुए 24 चोकला रावत महासभा क्या एक बड़ा निर्णय हुआ है और समाज ने पूर्ण रूप से कानूनी तरीके से जहां शराबबंदी है उसे पूर्ण प्रतिबंध लगे और अवैध बिक्री पर भी प्रतिबंध लगे, साथ ही जो डीजे पर प्रशासन द्वारा जो रोक लगा रखी है वो भी जमीनी स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसी मांग को लेकर आज समाज के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर पहुँचे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, SP को ज्ञापन दिया, आबकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया और उम्मीद है कि समाज की इस बात पर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। हम प्रयास करेंगे कि ये जो समाज की बात है, समाज के जो भीम मगरा क्षेत्र में जो हालात हैं, ज़मीनी हालात भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।